दिखाती है कितने गुल खिलाती है कितने रंग दिखाती है कितने गुल खिलाती है हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है हंसकर आसान कीजिए जिंदगी की राह दिल से कहिए हाँ दिल से कहिए वहाँ वहाँ जिंदगी वहाँ जिंदगी वहाँ जिंदगी वहाँ वहाँ जिंदगी खूबसूरत जिंदगी है भावा बनने के लिए एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो व्यवहार है वो सबके साथ बहुत सुंदर हो। व्यवहार में एक मुख्य बात आती है आपका दूसरों के साथ बातचीत करना। जब भी हम किसी के साथ बोलें सोच समझ करके बोलें। 2 वर्ष का बच्चा होता है बोलना शुरू कर देता है, माँ बाप कुछ ना कुछ बोलता ही है। बड़े ताज्जुब की बात है 80-80 वर्ष तक भी हम ये नहीं सीख पाते कि हमें कैसे बोलना चाहिए। अगर हमारे बोल मधुर हैं, संयमित हैं, दूसरों को सुख देने वाले हैं तो हम उसके रिटर्न में दुआएं प्राप्त करते हैं। प्रयास कीजिए इस मुख के द्वारा किसी को कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है। छोटा सा एक स्लोगन इस वाहवा जिंदगी के लिए हम फॉलो करेंगे और वो है कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सोच समझ के बोलो शुभ शुभ बोलो। जब आप बोलो शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है बो प्लस लो। जब आप कुछ बोल रहे हैं समझो आप कोई बीज बो रहे हैं, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। बोलने से पहले जरूर सोचिए यही शब्द कोई मुझे बोले तो मुझे कैसा लगेगा। जब आप किसी के साथ मीठा बोलते हैं आपका कोई खर्च नहीं आता और जब आप कड़वा बोलते हैं तो कोई प्राप्ति भी नहीं होती लेकिन संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। इसलिए बहुत अटेंशन रखें कि मुझे कम से कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, शुभ शुभ बोलना है। अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना, टोंटिंग वे के बोल नहीं बोलना। बात वही होती है, कहने का तरीका सबका अपना हो जाता है। वो छोटी सी बात होती है लेकिन उस बात को कहने का तरीका सबका अलग अलग हो जाता है। एक छोटी सी बात याद आती है मुझे कि एक बार एक टीचर ने अपनी क्लास में 2 विद्यार्थियों को बुलाया और ये कहा कि हमारे देश में ब्लाइंडनेस बहुत बढ़ रही है, आप एक बार जाके चक्र लगा के आओ और उसका कारण ढूंढो क्या है। अब दोनों ही विद्यार्थी एक ही कार्य के लिए चले अलग अलग स्थान पर। पहला विद्यार्थी एक स्थान पर पहुंचा एक व्यक्ति के पास जिसके पास नेत्रों की रोशनी प्राप्त नहीं थी और वो जाके कहता है ओ अंधे तू अंधा कैसे हो गया, तू अपनी कहानी तो सुना, क्या तू अपनी कहानी मुझे सुना देगा। इस बुजुर्ग व्यक्ति को जिसे नेत्रों की रोशनी प्राप्त नहीं थी बहुत दुख हुआ इस शब्द सुनकर और उसने कहा कि आप अपनी राह लो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। ठीक 30 मिनट के बाद दूसरा विद्यार्थी वहां के पहुंचा, आके कहता है बाबा जी आप मुझे अपनी जीवन कहानी सुनाओगे, आपके नेत्रों की रोशनी कैसे चली गई।
इतने प्यार भरे आवेदन को देखकर वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, बैठो बेटा, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, किस तरह से मेरे नेत्रों की रोशनी चली गई। दोनों ही विद्यार्थियों की बात एक जैसी थी, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग था। हमारे परिवारों में झगड़ों का एक कारण वाक संयम की कमी है। किसी को कुछ भी बोल देंगे, टोंटिंग देके बोल बोल देंगे, इसने बहुत सुंदर बात कही है, आपके मीठे बोल से सुंदर इतिहास की भी रचना हो सकती है, महाभारत भी बन सकता है, कड़वे बोल से महाभारत भी बन सकता है। अब आपके ऊपर है, आप इतिहास बनाना चाहते हैं या महाभारत। आपके मीठे बोल से शास्त्र और श्लोक भी बन सकते हैं, शस्त्र और शूल भी बन सकते हैं। आपके ऊपर है, आप क्या बनाना चाहते हैं। हमें पहले अपनी जिंदगी को वाहवा बनाने के लिए एक मूल्यांकन अवश्य करना है। अब तक मेरे बोल कैसे रहे? अगर मैंने किसी को वाणी से कष्ट भी पहुंचाया है तो मुझे उसकी क्षमा ले लेनी चाहिए और एक दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि मुझे जब भी बोलना है तो सुखदायी बोल बोलने हैं, दुआओं वाले बोल बोलने हैं, जैसे आपका सदा कल्याण हो, आपको सफलता प्राप्त हो, आप अपने जीवन में सदा प्रसन्न रहें, आप सदा प्रभु की छत्र छाया में रहें। आप प्रयोग करके देखिए, मात्र 11 दिन एक व्रत ले लीजिए, मुझे जो भी बोलना है वो वरदानी बोल बोलने हैं। इन वरदानी बोल का लक्ष्य रखने से, प्रैक्टिस करने से आपकी जिंदगी भावा बन जाएगी। आप वाणी पर अटेंशन रखते हुए, सबकी दुआएं प्राप्त करते हुए सदा भावा रहे। ओम शांति। कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, कितने रंग दिखाती है, कितने गुल खिलाती है, हमको ये हर हाल में हंसना सिखाती है, हंस कर आसान कीजिए जिंदगी की राह, दिल से कहिए, हाँ दिल से कहिए, दिल से कहिए वहाँ वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी।